इमरान खान बाहर आ रहा है, किसी का बाप भी उसको नहीं रोक सकता, इमरान खान पर कर देंगे। और ये तरीक हमारी पुरअमन तरीक है, पीटीआई अमन का नाम है। जो माजी में जिन्होंने फूडी हरकत की है, जुल्म किया, ज्यादती की, इंशाल्लाह इमरान खान बाहर आ रहा है, किसी का बाप भी उसको नहीं रोक सकता। इमरान खान एक उल्टा वजीर आजम है। बारह में बताना चाहता हूँ कि इजाजत तो दे दी हाई कोर्ट के हुक्म पर, कौम की लानत थी, मगर बेशर्मी और बेइज्जती की इंतहा है कि अब इस्लामाबाद इंतजामिया भी खामोश, वो बेचारे परेशान है कि वजीर आजम शबाज शरीफ जो शबू पालशिया मैं उसको कहता हूँ चिल्ला रहा है कि इसका जलसा ना हो। और वो कुकड़ी जो मुर्दा घोड़ा है हमारे सदर में पड़ा है, एक मुर्दा घोड़ा वजीर आजम हाउस में पड़ा है। 25 करोड़ आवाम इस तहमसियत में है, महंगाई, बेरोजगारी, कत्लो गारत, ना इंसाफी, गैर आईनी, गैर कानूनी बदमाशी इनकी जारी है। मैं पाकिस्तान के हर गैरतमंद को कहता हूँ कि इमरान खान 25 करोड़ आवाम के लिए जेल में बैठा है, निकलो, हम भी आए हैं, नौजवानों पहुंचो, इंशाल्लाह आज आज जो है ना इब्तदा इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या, इंशाल्लाह बारह हुकूमत का जो मजबूत चेहरा था कि हम बता रहे हैं कि इजाजत के बावजूद मीडिया गवाह है, सबको बताए कि इन्होंने हर तरह चारों तरफ बुद्धिल है, बेशरम है, घटिया है, इनमें कोई गलत नामी चीज नहीं है, हर तरह से ये दलील और रुसवा हो चुकी है, और इनमें रुकावटें खड़ी करके इनके ऊपर पूरी कौम की लानत बरस रही है। मगर मेरा यकीन है कि आज पाकिस्तान इकट्ठा हो रहा है इमरान खान के लिए जो बेगुनाह जेल में पड़ा है, और इस मुल्क को आन और कानून की बहाली के लिए अब ये जजेस को उम्र बढ़ा रहे हैं, इनकी उम्र तो कम हो रही है, और दुनिया आपके ऊपर लानत कर रही है। क्या नमाज शरीफ को कहता हूँ, जरदारी को, तुम्हारी शैतान वाली मौत है, तुम्हारा बाप भी चीफ जस्टिस बैठ जाए, तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है। 25 करोड़ आवाम इमरान खान के साथ है, इमरान खान इस मुल्क को बचा सकता है, इमरान खान इसकी इज्जत है, इस मुल्क की बका है, बाकी तुम फेल हो चुके हो, रुसवा हो चुके हो। आज के जो आज का मकरू चेहरे पूरी कौम आपके ऊपर लानत करिए, इंशाल्लाह ये मरेंगे। मैं पूरी कौम से अपील कर रहा हूँ, हम पहुंचे हैं और खड़े हैं, हर रुकावटें तोड़ के आओ, इंशाल्लाह पहुंचो, और ये हमने मैसेज देना है। अल्लाह ताला सलामत रखे, बारह हम एक अमन का साथ दे रहे हैं, अमन के लिए खड़े हैं, मुल्क की इज्जत के लिए खड़े हैं, और कानून और आइन की बहाली खड़े हैं। जो ये काले कानून बना रहे हैं अपनी बदमाशी के लिए, इनके कानून खत्म होने जा रहे हैं इंशाल्लाह ताला। अल्लाह के फजल से चंद दिनों में इमरान खान बाहर होगा। बारह मैं तमाम दोस्तों को कहता हूँ बाहर आके पहुंचे, कोई गर्मी नहीं, आज तो मौसम भी अच्छा है, और लोग जाने दे देते हक के लिए, सच के लिए। मेरा मुल्क जख्मी है, मेरा मुल्क चूरा चूरा है, लोग खुदकुशियां कर रहे हैं, महंगाई, बेरोजगारी, बिजली, हर तरह आज ये शुरुआत जो हुई है, इस पे मेरा यकीन और ईमान है कौम आएगी, रुकावटें तोड़ेंगी। और मैं इंतजामिया को कहता हूँ ये रुकावटें हटाए, वरना हम जाके तुम्हारी ये बदमाशी गुंडागर्दी के रुकावटें हटा देंगे, और ये जो रुकावटों के पत्ते हैं, इन चोर हुक्मरानों को कहना चाहता हूँ कि तुम्हारे दिन गिने जा चुके हैं, फौरी फौरी करो और ये रुकावटें हटा दो, बाकी कोई सोचे नहीं, इंशाल्लाह कौम निकले। रात भी हजारों की तादाद में लोग थे, आज लाखों होंगे, और दमादम मस्त कलंदर होगा, बाकी